हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पपी जिम्मी का आज फर्स्ट बाथ देने जा रहे हैं। तो और आपका इस मेरे इस चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम अपने पपी जिम्मी का आज फर्स्ट बाथ देने जा रहे हैं। ये 2 मंथ्स का हो चुका है। तो कैसे बाथ दिया जाता है, एक पपी का कैसे बाथ दिया जाता है ये देखिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले उसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इसे वेट कर देना पड़ेगा, बिल्कुल थोरोली वेट कर देना है पहले इसके स्किन को। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हिमालया का एंटी टिक शैम्पू, इसका नाम है एरिना ईपी। और मैं हिमालया का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये हर्बल है और इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, तो ये अपने पपी के लिए सबसे सेफ यही रहता है। तो आज इसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो अभी मैं इसका अप्लाई करता हूँ फ्रेंड्स। मैंने अपने जिमी को पूरी तरह से वेट कर लिया है। अब मैं ये शैम्पू उसमें थोड़ा थोड़ा मैं डालने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इसको ये गुनगुना पानी इसको आराम लग रहा है, तो इसलिए ये आराम से बैठा हुआ है। अभी पहले थोड़ा डर रहा था बेचारा। तो इसके पॉज में भी आप अच्छे तरह से, इसके पॉज में भी बहुत सारे टिक्स होते हैं, तो इसके पॉज में भी इसे अप्लाई करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका ये सारा शैम्पू निकाल देंगे, फ्रेंड्स। तो अभी इसका ऊपर ये पानी हम डाल रहे हैं। तो अभी हम इसे टॉवल से हम ड्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे जिमी ने अभी बाथ ले लिया है और मैंने इसे टॉवल से पूछ भी लिया है। अब हम रूम के अंदर चलते हैं तो ये थोड़ा रिलैक्स हो पाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके मुंह में अभी हमने थोड़ा सा ये मीट स्टिक दे दिया है ताकि वो एंगेज रहे और हम इसका बॉडी भी ड्राई कर सकें। तो ये भी एक टेक्निक है फ्रेंड कि आप अपने पपी को किसी चीज़ में बिज़ी करके रखें और साथ ही उसको ड्राई करते रहें, ये भी एक प्रोसेस है। तो ये अभी अपने मीट स्टिक खाने में पूरी तरह से बिज़ी है और साथ ही साथ मैं इसका टॉवल से इसे ड्राई भी कर रहा हूँ, तो काम करने में बहुत ही आसानी हो रही है फ्रेंड्स। अभी हमारा जिमी बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अभी ड्राई होने के बाद एक और प्रोसेस बाकी रहता है। ये हमारे पास ये स्लीकर है, ये स्लीकर में एक स्विच है, ये स्विच दबाने के बाद इसके ब्रिसल्स बाहर आ जाते हैं। तो इसके ब्रिसल्स से हम इसके पूरे बॉडी में ब्रश करेंगे ताकि अगर कहीं कोई टिक्स है तो वो इस ब्रश के सहारे बाहर निकल जाएगा। तो अभी किस तरह से ब्रश करना है मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से खड़ा है, अभी इसके बॉडी में हम ब्रश कर रहे हैं। खड़े हो, खड़े हो, हाँ, गुड बॉय, गुड बॉय। तो इस तरह से हमें ब्रशिंग करना चाहिए फ्रेंड्स।
आप देख सकते हैं। बस एक बार ये उल्टे साइड में भी थोड़ा ब्रश कर दें ताकि इसमें जो भी इसका टिक्स है वो भी निकल जाए और इसके डेड हेयर भी निकल जाएंगे ब्रश में। तो उल्टी उल्टी तरफ भी ब्रश करना ज़रूरी है इस तरह से। और एक बार फिर से इसके नॉर्मल ब्रशिंग कीजिए। मैं इसके चेस्ट में भी थोड़ा ब्रशिंग कर देता हूँ। देखिए इसके चेस्ट में भी ब्रशिंग करना चाहिए इस तरह से। ये देखिए चेस्ट के हेयर भी इस तरह से अंदर, यहाँ भी ब्रशिंग कीजिए। इस तरह से लेग्स में भी ब्रशिंग कीजिए और इसके जो नेक एरिया है नेक एरिया में भी इस तरह से ब्रशिंग करना चाहिए। ये देखिए इससे इनको बहुत आराम मिलता है क्योंकि इनके बॉडी में टिक्स ने जगह जगह काटे होते हैं, तो इस तरह से जब आप ब्रश कर देते हैं तो इन्हें बहुत ही रिलीफ मिलता है और इस ब्रशिंग से इनके टिक्स भी निकल जाते हैं फ्रेंड्स। जो इनकी धुलाई हुई थी जब यह नहा रहा था तो जो डेड टिक्स होंगे वो इस तरह ब्रश से निकल आएंगे। तो इस तरह से पूरे बॉडी में ब्रशिंग करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जिमी 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 गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय जिमी 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 जिमी। तो देख सकते हैं ये अभी कितना साफ़ सुथरा हो गया है। इसके कोट में एक शाइन आ गई है फ्रेंड्स। देखिए कितना साफ़ हो गया है ये। तो आज इसने फर्स्ट बाथ ली है। तो आप ये इंश्योर करें कि ये आपको जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि अपने पपी को अपने पेट को हफ्ते में एक बार वीकली उसे बाथ दें थोड़े गुनगुने पानी से। तो इस तरह से ये साफ़ रहते हैं, इनका कोट भी साफ़ रहता है और इन पर कोई टिक्स भी नहीं आते। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जिमी आज बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसे मैंने बाथ दिया आज, तो एंटी टिक शैम्पू से इसे मैंने बाथ करा दिया तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और आज इसके बॉडी से जो भी टिक्स भी थे वो भी निकल गए हैं। तो इस तरह से वीकली इसे मैं बाथ दूंगा फ्रेंड्स। और आप भी इसको अपने पेट को वीकली बात दीजिएगा। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था फ्रेंड्स, बाथ ऑफ योर पपी। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।